अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबके रोजे बहुत अच्छे से गुजरे होंगे, फैमिली के साथ सुकून से गुजरे होंगे। अब वक्त आया है ईद का, जो रब की तरफ से गिफ्ट रहती है। लॉकडाउन का जमाना है, कोरोना वायरस का जमाना है, भीड़ इकट्ठा करने को मना किया गया है, तो आप ईद की नमाज घर में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस है इस वजह से, लेकिन आप ईद की नमाज ना छोड़े और घर में पढ़े। इस्लाम के चार स्कूल ऑफ थॉट से, अगर जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से अगर आप घर में ईद की नमाज और खुतबा नहीं पढ़ सकते, ये अलग-अलग बात है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको घर में ईद की नमाज पढ़नी है। बहुत सिंपल है, ईद की नमाज और जो बाकी की नमाजें रहती है उसमें सिर्फ इतना फर्क रहता है कि ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें रहती है। आपने ईद की नमाज की नीयत बांधी, आपने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद आपको अपने हाथ कान की तरफ ले जाने, अल्लाहू अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने। कान की तरफ ले जाना है, अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने। कान की तरफ ले जाना है, अल्लाह अकबर कहना है, और फिर आप अपने हाथ बांध दीजिए और उसके बाद अलहमद की सूरत पढ़े, एक और सूरत पढ़ के रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद जिस तरह से आप सजदे में जाते हैं, जिस तरह से पहली रकात खत्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खत्म करें। उसके बाद जब आप दूसरी रकात में खड़े हो जाते तो पहले से ही आप अपने हाथ बांध देंगे, अलहमद की सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे, चाहे वो कुल की सूरह क्यों ना आती हो। उसके बाद आप अपने हाथ कान की तरफ ले जाके अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा जब आप अल्लाह अकबर कहेंगे तब आप सीधा रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद, खड़े होने के बाद, जिस तरह से आप सजदे में जाके, जिस तरह से आप अपनी बाकी नमाजें खत्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह नमाज खत्म करके सलाम फिराएंगे। ये आपकी ईद की नमाज हो गई। उसके बाद खुतबे की बात आती है। देखिए, खुतबा जुमा की नमाज में नमाज से पहले होता है और ईद की नमाज में नमाज के बाद होता है। बहुत सिंपल, अगर आपको खुतबा पढ़ना है तो बहुत सिंपल, मैं खुतबा आपको बताऊंगा। आप खड़े हो जाए, उसके बाद आप तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद अलहमद की सूरत पढ़ी, उसके बाद आप बैठ गए, ये आपका पहला खुतबा खत्म। थोड़ी देर के बाद आप खड़े हो जाइए, उसके बाद फिर तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसके बाद आप कोई भी एक दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है वो पढ़े, उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार पढ़े, ये आपका दूसरा खुतबा भी हो गया। इसी तरह से आप ईद की नमाज भी घर में पढ़ सकते हो और खुतबा भी, और सवाब भी पूरी तरह से कमा सकते हैं। ईद मुबारक आप सबको।